नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के काव्यखंड का छठवां चैप्टर, इसके राइटर शमशेर बहादुर सिंह, इस कविता ऊषा को कवर करेंगे। पहले इसकी समरी को देखेंगे, उसके बाद हर एक स्टेंजा की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। आपको यह चैप्टर आसानी समझ में आ जाएगा, एंड तक वीडियो में बने रहिए। इसकी समरी देखते हैं। ऊषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का छोटा सा चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले यानी सुबह होने से पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है कि मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख में लिपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। राख में लिपे चौके की मतलब है कि राख से लिपे जाने का गहरा सुरमय होता है। सुरमय एक कलर होता है, वैसा दिखने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली यानी जब लाल कलर का उसमें आता है ना, ऑरेंज कलर दिखने लगता है, उसमें ऐसी मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली हुई काली सिल जैसा जान पड़ता है। अब हम स्टेंजा देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूँ तो लगता है मानो कोई काली स्लेट किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है यानी फिर सूर्योदय हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेताएँ यानी कि सफ़ेद तरह की जब सूरज दिखने लगता है, यूँ लगती है मानो नीले जल में किसी ने कोई गोरी देह झिलमिला रही हो, यानी कोई गोरा व्यक्ति उसमें झिलमिला रहा हो पानी के अंदर। सूर्योदय होने पर ऊषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है, यानी सूर्योदय के पहले जो ऊषा होती है ना, भोर होती है, जो सूर्योदय होने के पहले का वातावरण होता है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ऊषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। हम इसके हर एक स्टेंजा देखते हैं। प्रातः नभ से लेकर पहला स्टेंजा शुरू होता है और नीला पड़ा है तक। इसमें कभी कहता है कि प्रातःकालीन आकाश का रंग नीला गहरा होता है मानो कोई शंख की तरह। उसके बाद भोर होती है। भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया है और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी है। ऐसा लगा मानो आकाश ना हो बल्कि राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। ये सब बातें इस स्टेंजा में लिखी हुई हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। नमी के कारण गीलापन था और रंग राख सा गहरा था। अब इसका सेकंड स्टेंजा है जो शुरू होता है, बहुत काली सिल से लेकर मलदी हो किसी ने तक। अब इसमें कवि कहता है कि भोर के छुटपुटे अंधेरे में सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण, यानी सूरज से जब लाल कलर ऐसा निकलता है तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत गहरी काली सिल पर थोड़े से लाल केसर से घुल गई हो। अंधेरी काली सिल जैसा प्रतीत होता है, अंधेरे को यहाँ पर काली सिल जैसा कहा गया है, और सूरज की लाली केसर के समान यहाँ पर बताई गई है। यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है कि मानो काली सिल ने स्लेट पर लाल खड़िया की चाक मल दी होती हो। अंधेरा काली स्लेट के समान यहाँ पर कवि कहता है, और सूरज की लाली चाक के समान यहाँ पर कवि ने दो तरह की उपमाएँ की हैं। अब इसका जो थर्ड स्टेंजा है वह शुरू होता है, नील जल में या किसी की से लेकर सूर्योदय हो रहा है तक। यहाँ पर कवि कहता है कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा यानी श्वेत कलर उसका, सफ़ेद कलर उसका दिखने लगता है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी की सुंदर गोरी देह झिलमिला रही हो, यानी कोई गोरा व्यक्ति नीले कलर के जल में पानी में झिलमिला रहा हो। कुछ समय बाद जब सूर्य उदित होता है, सूर्योदय हो जाता है, तब ऊषा के पल प्रतिपल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छुमंतर हो जाता है, यानी कि जो सूर्योदय होने से पहले का जो वातावरण होता है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सूर्योदय हो जाता है, प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं जो अपने प्रकृति रंग दिखाती है सूर्योदय से पहले, रंग बिरंगे कलर। यह थी इस पाठ की समरी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक। थैंक यू सो मच।